शायद ही ऐसा कोई दिन जाता हो जब इस्लाम के जिहादी भारत में किसी ना किसी कोने में किसी ना किसी हिंदू की हत्या ना करते हो, हमारी बेटियों को बर्बाद ना करते हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं विकी न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद की हरकतों को नजरअंदाज करके दूसरों पर उंगली उठाने की कोशिश करते हुए नया नया ज्ञान देते हैं, लेकिन ऐसे लोग कभी भी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि कहते हैं कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज के फूलों से। दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान, जिनका विवादों से नाता रहा है, उन्होंने पहले तो डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के एक बयान पर उनकी गर्दन काटने की बात कही, और जब खान साहब के इस नफरती और भड़काऊ बयान के बाद नरसिंहानंद सरस्वती को सोशल मीडिया पर खुलकर समर्थन मिलने लगा तो डरे अमानतुल्ला खान ने पुलिस में महंत जी के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। लेकिन अब इनका यह दाव खुद पर ही उल्टा पड़ गया है, क्योंकि जहरीली बयान देकर अमानतुल्ला खान खुद ही फंस गए हैं। दरअसल बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने अमानतुल्ला खान के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए UP पुलिस के सामने शिकायत दर्ज करवाई है। कपिल मिश्रा ने खुद ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है और उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में अमानतुल्ला खान के नफरत फैलाने वाले बयान का भी जिक्र किया है। इससे पहले कपिल मिश्रा ने अमानतुल्ला खान को चेतावनी देते हुए कहा था कि नरसिंहानंद जी को हाथ भी लगाने की गलती मत करना, क्योंकि देश संविधान से चलता है, किसी किताब से नहीं। दरअसल आप विधायक अमानतुल्ला खान ने डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती का एक वीडियो शेयर करते हुए कहा था कि इस नफरती कीड़े की जुबान और गर्दन दोनों काटकर इसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। इससे पहले आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान ने इस वीडियो को लेकर दिल्ली के जामिया नगर थाने में महंत के खिलाफ शिकायत की थी। अमानतुल्ला खान ने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर कहा था कि नरसिंहानंद की गुस्ताखी के लिए उनके खिलाफ जामिया नगर में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ FIR दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि वीडियो पर संज्ञान लेते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 153 और 295 के तहत पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में FIR दर्ज की गई है। खैर, अब देखना यह होगा कि कपिल मिश्रा की शिकायत पर भी यूपी पुलिस अमानतुल्ला खान पर क्या कुछ एक्शन लेती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।